पैनोरामिक व्यू ऑफ द होल सिटी. मैं एंजॉय कर रही हूँ एक सुंदर सा एरियल व्यू ऑफ वाराणसी सिटी. गंगा की उल्लड़ धारा यहाँ 80 की शाम है. कहते जिसे मोक्ष की नगरी, बनारस इसी का नाम है. और आई हूँ मैं इस खूबसूरत शहर को एक पंछी की नजरों से देखने. गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी. रादर अ वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग. सुबह के 4:30 बज रहे हैं. पता नहीं कैसे मेरी आँख खुली है एंड आई डोंट इवन नो हाउ आई हैव दिस एनर्जी इन मी राइट नाउ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू हॉप ऑन अ हॉट एयर बलून राइड. मैं एक्चुअली वाराणसी 3 दिन के हॉट एयर बलून फेस्टिवल को कैप्चर करने आई हूँ ड्यूरिंग दिस देव दीपावली टाइम, जिसका नज़ारा रात को भी और भी खूबसूरत होता है. तो आप भी चलिए मेरे साथ. तो इस वक्त हम लोग एक स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंचे हैं वेयर दे आर सेटिंग अप द हॉट एयर बलून. आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू द व्यू दैट वील बी गेटिंग, बिकॉज आपने शायद वाराणसी शहर ज़मीन से एक्सप्लोर किया होगा, बट टू काइंड ऑफ गेट अ व्यू ऑफ दिस होली सिटी फ्रॉम द टॉप इज गोइंग टू बी वेरी फैसिनेटिंग. तो क्या आपको पता है इसे हॉट एयर बलून क्यों कहते हैं? Well, it's simple. Balloon के अंदर burner द्वारा hot air fill की जाती है, so that it becomes lighter than the cooler air on the outside. This causes the balloon to float upwards as if it's in the water. तो ये मेरा पहला एपिसोड है ऑन दी एडवेंचर सीरीज एंड अक्सर लोग मुझे देखकर मिसजज करते हैं कि ये लड़की कहाँ एडवेंचर कर पाएगी, बट लेट मी टेल यू आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ एक्सेप्शनली चैलेंजिंग एडवेंचर एक्टिविटीज सिंस आई वॉज 10 years ओल्ड. आई हैव डन हाइकिंग अप नॉर्थ ऑफ इंडिया, आई हैव एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, डीप सी डाइविंग एंड अ लॉट मोर. सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दीज एक्सपीरियंसिस विथ यू एज वेल. ये पहला एपिसोड है, सो लेट्स जस्ट टेक सम बेबी स्टेप्स एंड सी What else is in store for us? इस हॉट एयर बलून फेस्टिवल में काफी सारे एक्सपर्ट्स पायलट्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर पायलट वाज हंस फ्रॉम नेदरलैंड्स हु हैज बीन फ्लाइंग सिंस 40 इयर्स नाउ. वी हैव अ प्राइवेट बलून फॉर आवरसेल्फ. ये हॉट एयर बलून एक्टिविटी फिलहाल एक प्रमोशनल एडवेंचर एक्टिविटी है जिसे फ्यूचर में एक रेगुलर इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है एंड इट वाज इंडीड अ ब्यूटीफुल साइट टू वॉच 11 हॉट एयर बलून्स अडॉर्निंग द कलरफुल स्काइज ऑफ वाराणसी. सब हॉट एयर बलून्स की कैपेसिटी उनके बास्केट साइज पे डिपेंड करती है. हमारा छोटा बास्केट था तो सिर्फ 3 लोग ही अलाउड थे, वेयर अ स्टैंडर्ड बलून साइज में अप्रोक्सीमेटली 8 लोग अलाउड होते हैं एंड द आइडियल फ्लाइंग वेट शुड नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक लिमिट कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ बलून यू आर फ्लाइंग इन. वाराणसी शहर के घाट का नजारा तो मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है, बट दिस एरियल व्यू इज जस्ट स्पेक्टेकुलर. एक बाजू गंगा, दूसरी साइड वाराणसी शहर. वी आर फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 feet. ये 3 दिन का हॉट एयर बलून फेस्टिवल का इनिशिएटिव स्पेशली टेकन अप बाय द यूपी टूरिज्म टू बोस्ट द ग्रैंडियर ऑफ दीप दीपावली इन द सिटी. सो हंस, वेयर आर वी गोइंग टू बी लैंडिंग? वेल, इफ वी कम्स टू योर बलून शो, वी विल लैंड समवेयर वेयर वी think we can land. Okay, so we don't have a landing spot right no, now. No, we don't have a fixed landing spot. Oh, wow. Completely dependent on the wind. So that's quite interesting. We don't know where we're going to be landing. It's all depends on the wind. It's part of the adventure. Part of the adventure. लैंडिंग के लिए बलून का वेंट खोल दिया जाता है, which allows the hot air to escape and eventually helps the balloon to descend. Just landed. Okay.
Wow, so that was an amazing experience. अगर दिन की शुरुआत इतने सुकून और खूबसूरत नज़ारे से हो तो जैसे ट्रिप वसूल ही मानो. This was just the daytime experience. I'm going to leave you with a visual treat of how the hot air balloon looks like in the night glow. Until then, this is me, Bianca Saurashtri. I'll see you soon with some more interesting adventure activities. बनारस में घाटों पर सुकून और खूबसूरती बेहिसाब मिलती है और इस मनोहर शहर की रौनक हमें शाम में दिखती है.